hello everyone you are welcome to best notes tutorial and in this lesson we are going to talk about Horace and his works so let's see first the topic so we will be going through the basic idea about Horace and what he did and later we will be talking about his work important work Ars Poetica and the parts of uh, there are three parts of Ars Poetica first is Poesis second is Poema and third is Poeta so we will talk about these all in detail in this video and we will be making some notes if you wish to join you can uh, join on whatsapp so let's uh, start today's lesson so we have already done three chapters in literary theory and criticism so if you haven't watched them you can go there and you can check out those videos i will just pin uh, all the all the links there in comment box so you can check out there in comment box as well. When Horace came uh, it was 65 to 8 BC and it was a fresh beginning in literary criticism after Plato and Aristotle you can see and what Cicero did had done in the sphere of rhetoric same was done by Horace into the realm of poetry. So what Cicero for rhetoric killeki wahi सेम थिंग हॉरेस ने पोइट्री के फील्ड में किया था अगर आप सिसरो के बारे में थोड़ा सा uh, एक दो फैक्ट अगर याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही वॉज़ अ माइनर कैरेक्टर इन जूलियस सीजर सिसरो एक माइनर कैरेक्टर था जूलियस सीजर में एंड इंट्रोड्यूस द रोमन्स ग्रीक फिलासफी एंड क्रिएटेड लेटिन फिलासॉफिकल वोकेबलरी तो उन्होंने uh, यहाँ पर दो चीज़ें की थी एक तो उन्होंने रोमन्स को ग्रीक फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस करवाया था और दूसरी चीज थी कि उन्होंने ही क्रिएटेड फिलोसॉफिकल वोकैबलरी ओके सो पेट्रॉक्स रि डिस्कवरी ऑफ सिसरोज लेटर्स इज ऑफन क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग द फोटीन सेंचुरी रिनेसा अगर हम बात करें कि फ़ोटीन सेंचुरी में जो रीनेसा शुरू हुआ था बर्थ ऑफ नॉलेज शुरू हुआ था वो ज़्यादातर पटाक ने जो रिडिस्कवरी की थी सिसरो के लेटर्स की उनकी वजह से रिनेसा शुरू हुआ था तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं हॉर्स को देखना या उनके रिलेटेड चीज़ों को जानना तो इन चीज़ों से हमें Uh, कही कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में हेल्प मिलती है हिज़ वर्क आर्ट्स पॉइटिका इज़ इक्वल टू एरिस्टोटल्स पॉइटिक्स एंड यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स पॉइटिका विद दिस विद दिस स्टेटमेंट दैट इट इज़ इक्वल टू एरिस्टोटल्स पॉइटिक जो आर्ट्स पॉइटिका है वो पॉइटिक्स के क्या है इक्वल है और uh, चाहे आर्ट्स पॉइटिका हो चाहे पॉइटिक्स हो uh, या और वर्क हो पुराने तो आप लोग देख सकते हैं कि इनसे क्या होता है हमारा हमारे जो आइडियाज़ हैं इमिटेशन मैसेज कथारसेस ये जो हमारे आइडियाज़ हैं ये क्लियर होते चले जाएंगे और एक टाइम के बाद हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर सकते हैं और लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के साथ एक फैक्ट है जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए अब आप तैयारी कर रहे हैं कि ये एक शॉर्ट पीरियड में तैयार Uh, की जा सकने वाली चीज़ है मीन्स यू कैन प्रिपेयर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इन अ शॉर्ट पीरियड एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका बहुत ब्रॉड पार्ट है ओबियसली हम उसे तैयार कर रहे हैं लेकिन अगर हिस्ट्री uh, अगर हमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे से आता है तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ रोमन क्रिटिक्स फॉरिस्ट जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं एक तो उनका जो वर्क है आर्ट्स पोइटिका बहुत बार रिपीट करता हूँ नाम को इसलिए कि जैसे आप इसे सुनेंगे अगर आप 10 मिनट वीडियो या 20 मिनट वीडियो सुनते हैं तो इतनी बार आप उस वर्ड को सुन लेते हैं कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाता है इसलिए जब भी आप पढ़ें तो डेफिनेटली उन वर्ड्स को बहुत की वर्ड्स को बहुत फोकस करके पढ़िए जैसे आर्ट्स पोइटिका है तो उसे बार बार इग्नोर करने की बजाय उसे बार बार पढ़ने की आदत डालिए जैसे आर्ट्स पोइटिका इज इक्वल टू एरिस्टोटल्स पोइटिक्स सो पोइटिक्स आर्ट्स पोइटिका ये आपके की वर्ड्स हैं द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ रोमन क्रिटिक्स और जो हॉरेस हैं आपके वो रोमन क्रिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं आर्ट्स पोइटिका मीन्स जो आर्ट्स पोइटिका है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है आपका ट्रीटीज़ ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री

आर्ट्स पोइटिका इवन इन हॉरेस पॉलिटिकल वर्क्स, वी कैन सी लिट्ररी प्रनाउंसमेंट्स जो हॉरेस के पॉलिटिकल वर्क्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम लिटरी प्रनाउंसमेंट लिटरी बातों को देख सकते हैं वहाँ पर वो होती हैं बट फॉर दिस हिज मेन बॉडी ऑफ इज क्रिटिकल थ्योरीज़ वी कैन गो थ्रू पिस्टल टू पिस और द आर्ट आर्ट्स पोइटिका और द आर्ट ऑफ पोइट्री तो कई सारी चीज़ें कई सारे नाम हैं इसके एक साथ आप देख सकते हैं पिस्टल टो पिस भी इसे कहा जाता है उनका स्टूडेंट था तो उन्होंने लिखा था और द आर्ट्स पोइटिका एंड द आर्ट ऑफ पोइट्री टाइटल आर्ट्स पोइटिका मीन्स ट्रिटीज ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री वी हैव गॉन थ्रू दिस दिस वर्क लेक्स इन फॉर्म एंड द फैक्ट इज दैट इट इज नॉट अ रेगुलर ट्रिटी बट अ अवॉर्ड्स लेटर टू हिज फ्रेंड और स्टूडेंट पेसॉस तो जो ये वर्क है पूरा आर्ट्स पोइटिका वो क्या है वो उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड पे शॉर्ज को उसी का एक कलेक्शन है मेन एम ऑफ हॉर्स एज अ क्रिटिक इज़ टू गिव गाइड टू नेशनल लिटरेचर अलोंग द लाइंस ले डाउन बाय हेलेनिक पोइट्स एंड क्रिटिक्स और जो हेलेनिक पोइट्स एंड क्रिटिक थे उनकी जो एक गाइडलाइन थी उसको अपने नेशनल लिटरेचर को देना उनका मेन एक आइडिया था सो so, Three parts are there. First is इज second is इज and third is poet. So सो अगर हम short में देखें कि poesis के अंदर में क्या है तो poesis के अंदर में the डिस्कशन of subjects. तो कई बार ये आपको दे दिया जाता है कि किस part में ये लिखा गया है एग्जाम में सो so, पॉइसिस में आपका द डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट है पोइमा और द form एंड थर्ड इज पोइटा और द poet ही गिव्स एडवाइस टू पोइट रिगार्डिंग आर्ट एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री नाउ लेट सी दीज थ्री पार्ट्स इन डिटेल फर्स्ट इज पोइट पोइसिस पोइमा एंड पोइट सो फर्स्ट इज पार्ट वन इज़ पोइसिस एंड अ पोइम मस्ट हैव ऑर्गेनिक यूनिटी सो वट ही हैज़ टू सी टू पोइट्स पोइट्स को क्या कहना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू से दैट अ पोएम मस्ट हैव ऑर्गेनिक यूनिटी उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए दे आर मस्ट एग्जिस्ट अ हारमोनियस रिल हारमोनीस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट एंड द होल जो पोएम के जितने भी पार्ट्स होंगे जितने भी स्ट्रेंजाज होंगे चाहे बिगनिंग हो मिडल हो या एंड हो सभी में एक रिलेशन होना चाहिए अच्छा रिलेशन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए द यूज़ एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स मस्ट वी वॉइस और जो अगर हम पोइट्री की बात करें तो उसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है बहुत ही वाइज होना चाहिए द पोइट इज़ एट लिबर्टी टू कॉइन न्यू वर्ड्स एंड रिसीव ओल्ड वंस तो सॉरी रिवाइव ओल्ड वंस तो यहाँ पे पोइट को उन्होंने एक लिबर्टी भी दी है कि वो कहीं कही ना कहीं नए वर्ड्स uh, को क्या कर सकते हैं कॉइन कर सकते हैं ओल्ड वंस को रिवाइव कर सकते हैं uh, जो ओल्ड वर्ड्स हैं नए वर्ड्स को कॉइन किया जा सकता है पोइट के द्वारा सेकेंड इज़ पोयमा द्लाट शुड बी बेस्ड ऑन ओल्ड फमैलिया इस्टोरीज नोवल्टी में बी इम्पार्टेड बाई स्किलफुल ट्रीटमेंट और पोइमा में वो ये पार्ट में बताते हैं सेकंड में कि जो प्लॉट होना चाहिए किसी पॉइट का या पोएम का या स्टोरी लाइन होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पुरानी स्टोरीज़ पे जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्टोरीज़ हैं उन पे होनी चाहिए और अगर कोई नई स्टोरी अगर करनी है तो वो स्किलफुल ट्रीटमेंट के लिए हो सकती हैं मीन्स उन्होंने डिनाई uh, नहीं किया है कि न्यू स्टोरीज़ को नहीं रखा जाना चाहिए नाउ लेट्स कम टू दर्ड पार्ट एंड दैट इज़ पोइटा द फाउंटेन सोर्स ऑफ गुड राइटिंग इज़ साउंड जजमेंट तो उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट देखिए जब हम uh, बात करें प्लेटो की तो प्लेटो ने क्या कहा था कि पोइट एक डिवाइन इंस्पिरेशन से लिखता है लेकिन यहाँ पे Uh, जो हॉरिस हैं वो डिवाइन इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं साउंड जजमेंट की अ पोइट मस्ट ऑल्सो कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स जो पोइट है वो uh, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आज अगर हम मॉडर्न एज में भी देखें तो पोइट कौन होता है पोइट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है चीज़ों को इसीलिए वो लिख पाता है अगर मैं जाता हूँ बाहर नेचर uh, में और मैं फ्लावर्स को देखता हूँ या पेड़ पौधों को देखता हूँ तो अगर मैं उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करता हूँ तभी मैं उस पर लिख पाऊँगा अगर मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं लिख पाऊँगा तो उन्होंने ये कहा था कि मैन एंड मैनर्स के कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए पॉइंट को ही शुड कॉन्स्टेंटली स्टडी द बुक ऑफ लाइफ एंड ड्रा लैंग्वेज ऑफ ट्रू लाइफ उन्होंने कहा है लैंग्वेज ऑफ ट्रू लाइफ को उन्हें क्या करना चाहिए ड्रॉ करना चाहिए नोबेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ सोल्स सोल आर नेसेसरी टू राइट गुड पोइट्री एक्सेसिव ग्रीड एंड लव फॉर मनी कम इन द वे ऑफ गुड राइटिंग अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागना शुरू करेंगे आ, तो आप क्या करेंगे आ, बहुत लालच में अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाएंगे इसलिए यहाँ पर क्या है नॉबेलिटी एंड डिग्निटी दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है अच्छी पोइट्री लिखने के लिए अ पोइट शुड इंस्ट्रक्ट और प्लीज और टू कैन बी कम्बाइंड तो पॉइंट का उन्होंने काम क्या बताया वो इंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी को ना, कोई चीज़ बताने के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए पोइट्री लिखी जा सकती है या किसी को खुश करने के लिए पोइट्री लिखी जा सकती है और दोनों के दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है ओबियस सी बात है आज भी ये चीज़ें मॉडर्न एज में भी ये सारी चीज़ें चलती है तो ये हॉरिस ने लिखी हैं तो आप, आप लोग देख सकते हैं 44 फोर बी सी के समथिंग में वो ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो उस टाइम से और मॉडर्न एज को आप कनेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं अवॉइड रोमांटिक एक्स्ट्रा एंड एब्सर्डिटीज़ तो उन्होंने कहा था कि जो रोमांटिक्स्ट्रावेन्स हैं या एब्सर्डिटीज़ हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए इवन गुड ह्यूमन नोट्स Uh, उन्होंने एक लाइन लिखी है इवन गुड होमन नोट्स एक बीच में एक लाइन है इस वर्क के उसका मी मीनिंग है मीन्स माइनर मिस्टेक्स इन पोइट्री मे वी फॉरगिवन तो uh, इस लाइन का जो हम कहें कि एग्जिस्टेंस है वो इस चीज़ के लिए है कि वो खुद हॉरेस कह रहे हैं कि जो पोइट है उन्हें कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक्स को के लिए फॉगिव किया जा सकता है उन्हें इस चीज़ के लिए छोड़ा जा सकता है पोइट्री हैज़ ग्रेट पावर एंड अपील और जो पोइट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर और अपील होती है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मैंने एक माइंड मैप बनाने की कोशिश की है तो आर्ट्स पोइटिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे जैसे आर्ट्स पोइटिका यह हॉरिस ने लिखा है इसमें फ़ोर सेवेंटी सिक्स लाइन्स हैं एंड रिटर्न इन हैक्जामीटा ये हैक्जामीटा में लिखा गया है एंड एपस्यूला एडपिस या और टू पिस ये दोनों इसी के नाम हैं एंड इट कंटेंस थर्टी मैगजीम्स फॉर यंग पोइट्स और यहाँ पे उन्होंने थर्टी मैगजीम्स भी दी हैं यंग पोइट्स के लिए दिस वर्क एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन लेटर एजेज ऑन यूरोपियन लिटरेचर नॉट फ्रेंच ड्रामा उन्होंने फ्रेंच ड्रामा के लिए भी क्या किया है uh, जो उनका वर्क है उसका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस हमें फ्रेंच ड्रामा में देखने को मिलता है आर्ट्स पोइटी का वॉज मैंशन फर्स्ट बाय क्विंटलिन

व, एक वर्ड आया आता है और ये KVS के के एग्जाम में पूछा गया था पर्पल पर्पस सॉरी पर्प पैनस ओके होपफुली आई एम पनाउंसिंग दिस राइट बट इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है पर्पल प्रोज द टर्म क्वाइंट टू क्रिटिसाइज हॉर फॉर द यूज़ ऑफ फ्लावर लैंग्वेज और ये जो टर्म हुआ है ये क्वाइंट हुआ है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में और uh, इसका मीनिंग होता है पर्पल प्रोज और इस हॉर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इसे यूज़ किया गया और क्योंकि उन्होंने फ्लावरी लैंग्वेज यूज की थी लिटरी फ्रेजेस आर देयर सम इन मेडियस रेस इट इज़ इन 148 लाइन इनटू द मिडल ऑफ थिंग दिस इज़ आल्सो इंपोर्टेंट पार्ट एक्चुअली हाउ कैन आई फॉगेट सो एब ओवो इट इज़ इन 147 लाइन एंड इट मींस फ्रॉम द बिगनिंग एंड क्वान्टिक बोनस डोमिटेंट

Problem in a story is suddenly resolved, like in *Lord of Flies*. Navy officer rescue the children. So this is *DX uh, Machina*. *X Machina*. Hopefully you have uh, got the idea about *Horace*. If you like the video, please like it and share it with others. And thank you for being with me and being in channel. See you soon.